छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा पर कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 6 दिनों में छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की छाप जनता के बीच छोड़ी है। सरकार के खिलाफ जो आक्रोश हमें दिखाई दे रहा है उससे ये साफ है कि 9 महीने के अंदर ये सरकार विफल हो चुकी है और ये यात्रा अभी शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है, अभी केवल विराम है। अगली लड़ाई फिर छत्तीसगढ़ के किसी न किसी हिस्से से निकलेगी। बिल्कुल ही सच्चाई है कि जिस तरह से इस 6 दिन में कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का छाप सीधा सीधा जनता के बीच में छोड़ा है और जनता का उत्साह, समर्थन, आशीर्वाद और जो सरकार के खिलाफ आक्रोश हम लोगों ने देखे, मैं समझता हूं 9 महीने में सरकार ने पूरी तरह से फेल हो चुकी, विफल हो चुकी है और सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा उठ चुका है। इसलिए हम लोगों ने छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत की ताकि सरकार से अब तो हम लोग उनको जगाना हम लोग छोड़ दिए और इसलिए हम लोगों ने कहा कि ये यात्रा अभी तो शुरू हुई है, समापन नहीं हुआ है और ना ही एंड हुआ है, बल्कि ये तो विराम है। अगला लड़ाई फिर छत्तीसगढ़ के फिर किसी कोने से लिख देगी और सरकार के हर मुद्दों को लेकर कांग्रेस अब सीधा जनता की अदालत में जाएगी।